एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना नायका हॉल। मैंने नायका से कुछ चीजें परचेज की है, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और सारी चीजें मैंने एक साथ नहीं मंगवाई हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैंने मंगवाई हैं। जो चीजें मुझे अच्छी लगती रहती है वो मैं ऐड टू कार्ट करती रहती हूँ, और जब मुझे लगता है अब अच्छा ऑफर है तब मैं उसको मंगवाती हूँ। मेरा शॉपिंग करने का यही तरीका है, और सब लोगों का यार अपना अपना तरीका होता है, मेरा यही तरीका है। तो इसीलिए दो दो चीजें दिखाने का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता है। जब मुझे लगता है यार अब मुझे शेयर करना चाहिए तब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ चीजें इसमें से ऐसी हैं जो कि मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल में से भी खरीदी हैं, जो कि अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आई थी। लेकिन तब भी मैंने सोचा कि यार दो तीन चीजें आपको दिखा के मैं क्या करूं यार, कुछ मतलब कुछ तो मैं आपको दिखाऊं ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप कुछ चीजें जब हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मैंने काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं ये एक ही वीडियो में सब इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ। मैं दो पार्ट बनाने वाली हूँ, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो आप दोनों पार्ट प्लीज जरूर देखिएगा, और इसके बाद ही मैं दूसरा पार्ट शूट करूंगी। क्योंकि एक ही पार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो वो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, और उससे कुछ फायदा नहीं है कि मैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊं। तो इतनी लंबी वीडियो मुझे पता है कि आप लोग देखते भी नहीं है, तो इसीलिए मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आधी चीजें, आधी चीजें मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीजें परचेज की हैं, और सब कुछ मैंने अनरैप कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो कि मैंने नायका से परचेज की हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बेबी बायोटिक का बेबी शैम्पू लिया है। ये मैं अपनी छोटी बेटी के बालों पे इसी को यूज करती हूँ, उसको काफी अच्छे से सूट भी करता है। क्योंकि एक बोतल मैं खत्म कर चुकी हूँ तो बालों में उसके कुछ ऐसे बहुत ही सिल्की से सॉफ्ट से बाल हो जाते हैं। तो ये वाला शैम्पू बच्चों के लिए अच्छा है, अगर आपने बच्चों के लिए कोई शैम्पू चाहते हैं, अगर बेबी गर्ल है तो आप ये ले सकते हैं। बाकी बेबी बॉय के लिए भी इसमें शैम्पू आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। और ग्रीन एप्पल की बहुत ही अच्छी सी माइल्ड सी स्मेल आती है, बहुत अच्छा है। और ये इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी वगैरह है 190 ml, और जितनी भी जो भी इनकी प्राइसिंग है वो सब मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। स्क्रीन पे नहीं करूंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, और सेकेंड मैंने मंगवाई है ये पोन्स का लाइट मॉइस्चराइजर, और ये क्रीम बहुत अच्छी है। ये तो मैं दो तीन खरीद चुकी हूँ, मार्केट से भी खरीद चुकी हूँ, क्योंकि ये काफी यूज करते हैं हम। और ये मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर ऑयली स्किन है तो आप विंटर्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत अच्छा है। एंड थर्ड मैंने मंगवाया है ये बायोटिक की बेबी क्रीम, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए ही मंगवाई है, छोटी बेटी है जो मेरी। बायो मिल्क क्रीम है ये, मैंने सेकंड टाइम परचेज किया, उससे पहले की विंटर्स में भी, आई मीन लास्ट ईयर विंटर्स में भी मैंने उसको यही लगाई थी। और काफी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, काफी थिक फॉर्मूला है इसका, लेकिन हाँ विंटर्स में बच्चों की स्किन पर चल जाती है, उनके ना चीक्स मैंने देखा है, मैं उसको सुबह लगाती हूँ और रात तक ना यार सॉफ्ट ही रहते हैं उसके चीक्स, बिल्कुल भी ना ड्राई नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छी क्रीम है, तो चाहे तो इसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें आई थिंक यही वाला पैक आता है, इससे बड़ा पैक नहीं आता है, तो मैं यही वाला परचेज करती हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने ली है ये बायोटिक की बायो कोकोनट ब्राइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम। यार इसके बहुत ज्यादा मैंने तारीफें सुनी है, तो मुझे लगा यार इससे ट्राई करना चाहिए ये किस तरह की है। वैसे तो सबने यही बताया है कि ये ड्राई स्किन के लिए है, लेकिन विंटर्स में तो सभी की स्किन ड्राई हो जाती है, तो मुझे लगा इसको ट्राई करके देखते हैं किस तरह की है। बाकी ट्राई करूंगी तब आपको बताऊंगी। पैकेजिंग बदल चुकी है, रेक्टेंगल शेप में हो चुकी है, आई थिंक इसकी भी स्क्वायर शेप में आती होगी, लेकिन अब सब पैकेजिंग बदल चुकी है तो इसकी भी शायद बदल चुकी है। तो इससे बताती हूँ मैं आपको कि ये किस तरह की है, इसको ट्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट बायोटिक की चीजें ये आपको ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि इस हॉल में ना बायोटिक की मैंने सारे जितने प्रोडक्ट थे बायोटिक के सब डाल दिए हैं। मैंने कहा पहले बायोटिक की दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने मंगवाया है कि बायोटिक का बायो भृंगराज ऑयल, और ये मेरे बालों पे काफी सूट कर रहा है। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं तो आप इस वाले ऑयल को यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। और ये फॉलिंग हेयर्स के लिए है, इससे पहले भी मैं इसको यूज कर रही थी और अब मैंने इसको दोबारा से मंगवाया है, काफी अच्छा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है ये खादी ऑलिव ऑयल मंगवाया है मैंने, क्योंकि ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल दोनों को ना इक्वल क्वांटिटी में आप मिला लीजिए। अगर आपके बाल बहुत बुरी तरह से झड़ रहे हैं तो बालों को 100% मतलब भाई गारंटी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मेरी छोटी बेटी हुई थी मुझे इतने ज्यादा बाल झड़ने लगे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे करते तो बाल निकलते जाते थे। लेकिन मैंने वही यूज किया, मुझे ना एक पार्लर में एक
जो ब्यूटिशियन है उन्होंने मुझे बताया था कि आप इसको यूज करके देखिए, बराबर बराबर आप क्वांटिटी में ले लीजिए ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल और दोनों को मिला के लगाइए और यार एक बाल भी नहीं टूटता है। तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया है कि चलो यार इसको यूज करके देखते हैं, क्योंकि बाल मेरे भृंगराज से भी काफी फर्क पड़ गया है, लेकिन मुझे लगा चलो इसे ही मंगा के देखते हैं। तो मैंने ये मंगवाया है और ये है 100 ml क्वांटिटी है इसकी। तो इसमें मैं आलमंड ऑयल मिलाऊंगी एंड ऑयल मिला के तब आपको बताऊंगी कि किस तरह का रिजल्ट रहा है। वैसे तो मैंने 2-3 बार यूज करा है अभी तक, तो मुझे मतलब मैं ज्यादा ऑयल वगैरह नहीं लगाती हूँ। देखिए मैं आपको क्या कहना चाहिए कि आपको ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं अपने बालों में ज्यादा ऑयल वगैरह यूज नहीं करती हूँ। साल में एक बार बस ये विंटर्स में ही मैं ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना मेरे बाल बहुत ही ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ। लेकिन अब लगाना है तो मैं ज्यादातर या तो इसे लगाती हूँ या फिर ये मुझे भृंगराज ऑयल मिल गया है, ये भी काफी अच्छा है, अब मैं इसे यूज करने लगी हूँ और इसने वर्क भी अच्छे से किया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने लिया है, जो कि इस टाइम काफी चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका रिव्यू कर रहे हैं, ये मैंने मंगवाया था, ये मामा अर्थ का उपटन बॉडी बटर। ये मैंने नायका की पिंक फ्राइडे सेल में मंगवाया था और ये उस टाइम मुझे अच्छे रेंज में मिल गया था। वैसे इसकी प्राइसिंग 600 है, ऑलमोस्ट 1 रुपए का फर्क है, बाकी 600 रुपीज का है, लेकिन ये मुझे काफी कम प्राइस में मिल गया था। और यार काफी इसमें बहुत ही बड़ा सा टब आता है और इसको मैं यूज भी कर रही हूँ। मैं आपको सही बताऊं तो हम इसको यूज भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका टब है। इसमें 2 वेरिएंट्स आए हैं, एक इसके अंदर कोको बटर है, कोको बॉडी बटर है। मुझे कोको की स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब चॉकलेट बस खाने में अच्छी लगती है मुझे, ऐसे मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मुझे उसकी स्मेल ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैंने ये लिया और इसकी स्मेल माइंड ब्लोइंग है। और इसके साथ में ना मुझे ये उस टाइम ऑफर चल रहा था तो मुझे ये दोनों चीजें उसके साथ में फ्री मिली है। एक तो ये मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश है, ये मुझे फ्री मिला है, ये 25 ml है, और ये एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम है, यू कैन सी, ये मुझे फ्री मिली है। ये दोनों चीजें मुझे फ्री मिली है और ये दोनों ही चीजें मैंने ट्राई नहीं की थी और मैं ट्राई करना चाहती थी उपटन फेस वॉश को। तो इसलिए उपटन फेस वॉश के बारे में मैंने ये सुना है कि ये मतलब ऑयली स्किन पे वर्क कम करता है, क्योंकि ये ना इसके अंदर कुछ बीट्स वगैरह होते हैं और ये हार्श रहता है। तो मैंने इसको इसलिए खरीदा नहीं था, क्योंकि इसका वैसे इसका बड़ा पैक ही आता है, तो मुझे लगा अगर मैंने इसको मंगा लिया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब ये मुझे इसमें मिला है, फ्री मिला है मुझे ये, तो मैं सोच रही हूँ इसको ट्राई करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह का है। मामा अर्थ का ना पूरा एक आपके साथ स्किन केयर ही शेयर करूंगी कि किस तरह का है। और ये एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम, ये भी आपने बहुत सारी वीडियोस में देखी होंगी, काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसका रिव्यू किया है, तो इसे ट्राई करके आपको बताती हूँ कि ये किस तरह की है। यार मैंने तो अभी तक इसको खोल के भी नहीं देखा है। मैं सही बताऊं मेरे पास ये आज पता नहीं क्या डेट है, आज है शायद 18 दिसंबर है आज शायद, लेकिन मैंने इसको अभी तक ट्राई करके भी नहीं देखा है, आप देख सकते हैं। और ये मुझे ना इसको ट्राई करने का मन भी था और ये मुझे काफी अच्छा लगा कि ये इतने छोटे पैक में इन्होंने दी है। और यार ये बाहर सब्जी वाले भैया जा रहे हैं तो मैं भी, और ये इतने छोटे पैक में इन्होंने दी है तो यार ये मुझे इतने छोटे छोटे पैक ना काफी अच्छे लगते हैं। मैंने आपको मॉइस्चराइजर भी दिखाया था, वो भी इतने छोटे पैक में मैंने खरीदा था, वो छोटे पैक में आता है लेकिन ये नहीं आते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, ये छोटे हैं तो अगर आपको सूट नहीं भी करते हैं तो भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और इनकी प्राइसिंग 99 रुपीज के हैं, दोनों ही 99.99 में है और ये 600 का है। और इस पे भी मुझे शायद 100-150 रुपए मुझे ऑफ मिला था, प्लस मुझे ये 200 रुपए की दोनों चीजें फ्री मिल गई हैं, तो काफी अच्छी डील थी, इसलिए मैंने इसको ग्रैब कर लिया, तो बहुत अच्छा था। और मामा के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं और मैं इसका ना एक स्किन केयर आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने बोला था। और इसके अलावा मैंने खरीदा है ये मेबलिन फिटमी का मैट प्लस पोरलेस पाउडर, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस चीज का वर्जन है, ये तो ये आप देख रहे हैं इस तरह का मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट आता था, अब ये चेंज हो गया है, ये फिटमी के साथ मर्ज हो गया है, पता नहीं यार क्या इन्होंने किया है, ये इन्होंने चेंज कर दिया है। और इसमें अभी सिर्फ 4 शेड्स ही इसमें अवेलेबल है, 3 शेड्स इसमें अवेलेबल है। और आप पैकेजिंग देख सकते हैं फिटमी वाली हो गई है, जैसे कि मतलब फिटमी की होती है तो ये इस तरह की हो गई है। तो मेरा ये, मैं इसको काफी यूज कर चुकी हूँ और ये मेरा, बस आप देख लीजिए ये बहुत ही थोड़ा सा रह गया है और खत्म ही होने वाला है, काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो इसको मंगा के देखते हैं। और ये इस तरह की पैकेजिंग में आया है और ये आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है। इसका फॉर्मूला क्या है कि जो शेड आप अपने मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट में खरीदते थे
आप वही शेड इसमें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये मेंशन करते हैं स्क्रीन पे, आप जब ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये मेंशन करेंगे कि अगर आपका शेड पर्ल है तो आप ये खरीदिए, अगर आपका शेड उसमें मार्बल था तो आप ये खरीदिए, तो आप इस तरह से आपको मतलब परेशानी नहीं होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा शेड है 109 लाइट आइवरी, मैंने ये खरीदा है क्योंकि उससे पहले मेरा शेड इसी तरह का था, और इसमें भी वही है, SPF 28 है, PA++ है, प्लस है, आई मीन ट्रिपल प्लस है, और ये 12 आवर ऑयल कंट्रोल है। तो ये मैंने खरीदा है, मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये सोचा कि यार नया सा, और ये आप देख सकते हैं ये नाइका ने ये इतने सारे पर्चे भेजे हुए हैं, जो बिल्स होते हैं ये सब मैंने रखे हुए हैं। तो यही था मेरा नाइका का छोटा सा हॉल, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और देखिए मैंने कितनी जल्दी जल्दी आपको दिखाया, लेकिन तब भी ये वीडियो आई थिंक 11 मिनट की हो गई है, तो अगर मैं इसमें और चीजें भी इंक्लूड करती तो पता नहीं कितनी बड़ी हो जाती, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा नाइका हॉल अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। एंड डियर, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई हूँ, ये मेबलिन फिट मी जो मैंने कॉम्पैक्ट मंगवाया है, इसके साथ में मुझे ये ब्लेंडर फ्री मिला है। आप देख सकते हैं कुछ ऑफर था कि अगर आप मेबलिन फिट मी की कोई भी चीज खरीदेंगे तो आपको ये एक ब्लेंडर फ्री मिलेगा, और आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी पैकेजिंग है, एकदम एक्स शेप में है ये, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है, मेबलिन लिखा हुआ है, यहाँ पर फिट मी लिखा हुआ है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। तो ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है, अभी बिल्कुल न्यू है। तो ये इस तरह का है, इस तरह का की शेप का बहुत सारे कंपनी के ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं, पूना स्टोर का भी आता है, पर मैंने ऐसा नहीं खरीदा है, तो मुझे ये इसके साथ फ्री मिला है, और आप इसको आराम से इसके अंदर रख के ले जा सकते हैं। तो ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है, आप इसको वॉश करते हैं, ड्राई करके इसी के अंदर रखिए, ना ही कोई जर्म्स होंगे ना कुछ, और आराम से अपने बैग में डाल के आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मैं ये भूल गई थी आपको दिखाना, तो मुझे लगा कि मैं छोटी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ, तो इसके साथ मुझे ये फ्री मिला है।